नागपुर संभाग में भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और किसान पूरी तरह से मायूस हो गए हैं। कृषि विभाग ने प्रारंभिक अनुमान व्यक्त किया है कि नागपुर संभाग में 28,000 हेक्टेयर सहित नागपुर जिले में 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक की फसल नष्ट हो गई है। बताया जाता है कि 350 हेक्टेयर से ऊपर के खेत की उपजाऊ जमीन बारिश के पानी में फसलों के साथ बह गई है। इसलिए सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों को युद्ध स्तर पर घोषित किया जा रहा है। क्षति का पंचनामा नागपुर संभाग के पूरे तहसील कार्यालय द्वारा किया जा रहा है और पंचनामा का कार्य अगले 8 से 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद सरकार को नुकसान की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मैं आता संगल्याप्रमाणे साधारणपणे 19,00,000 पैकी 14,00,000 हेक्टर क्षेत्र आपलं जे पेरणी झालं आहे यामध्ये जी काही जुलै महिन्यामध्ये अतिवृष्टी झाली या अतिवृष्टीमुळे प्राथमिक अंदाजानुसार वर्धा चंद्रपूर गडचिरोली भंडारा गोंदिया हे जिल्हे मिळून साधारणपणे 2,00,000 हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे। त्यात 300-350 हेक्टरची जमिनी देखील खरवडून नुकसान झालं आहे। ज्या ठिकाणी जमिनीवर वाळू येऊन साचलेले आहे किंवा काही ठिकाणी जमिनीचा वरचा जो सुपीक थर आहे ती सुपीक मातीच खरडून जाऊन नष्ट झाली आहे। अशा प्रकारे जमिनी देखील नुकसान झालं आहे। तर या भागातील जमीन आणि पिकं यांचं नुकसान झालं आहे। महसूल प्रशासनाच्या वतीने सर्व तहसील कार्यालयाच्या वतीने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचं युद्ध पातळीवर काम सुरू करण्यात आलं आहे आणि येत्या 8 ते 10 दिवसात हे सर्व काम जर पावसाचं उघड राहिला तर पूर्ण होण्याचा आम्हाला विश्वास आहे।